सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग फिर से पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है कोलन और कनिकी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह एक सुप्रसिद्ध कहानी है, लोक कथा है तमिलनाडु की, जिसमें एक दंपति रहते हैं जिसका नाम कोलन और कनिकी है। उन्होंने जीवन में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संकट के समय उन्होंने धैर्य से और साहसपूर्वक अपनी समस्याओं का हल निकालकर अपना जीवन सुखी बनाया था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राचीन काल की यह बहुत ही पौराणिक कथा है, जिसमें मदुरई के निकट एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक धनी व्यापारी कोवलन और अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो लोग अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहे थे। उनके नगर में उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा थी, उनका परिवार सुखी था। लेकिन बुरी संगति में पड़ने के कारण कोवलन और कनिकी ने अपना सारा धन गंवा दिया। कोवलन अपने किए पर पछतावा कर रहा था, लेकिन कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई की। अर्थात यह हुआ कि जब हमें किसी बात का पछतावा होता है तो वो जब समय निकल जाता है तो उस पश्चाताप का कोई फायदा नहीं रहता है। इस प्रकार जब दोनों जन को बहुत पछतावा हुआ तो वो अपने शहर को छोड़कर वो मदुरई जाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ करने लगे। वहाँ पर वो अपने परिवार के साथ थोड़े बहुत कपड़े और राशन का सामान और अपने खाने पीने का सामान दोनों ने जुटाया और पैदल ही मदुरई के लिए चल पड़े। वहाँ पे कुछ दिनों में दोनों मदुरई पहुँचे। भोजन और आवास की समस्या थी। उन्होंने उस एक घर लिया और एक दो दिन बाद अपना लाया खाना जब उनका खत्म हो गया तो वो सोचने लगे कि आखिर अब अपने गुजर बसर के लिए, हमारा अपने जीवन यापन के लिए हमें क्या करना चाहिए। उनके पास धन बिल्कुल भी नहीं बचा था। कनिकी ने कहा, मेरे पास ये पायल है, इसे बेचकर, कुछ गहने मेरे पास पड़े हैं, इसे आप बेचकर अपना भोजन सामग्री लाएं और व्यापार को आगे बढ़ा, बाकी बचे जो पैसे हैं उसे कोई व्यापार शुरू कर लें। कनिकी और अपनी बहुमूल्य पायल कोवलन को दे दी। और इस प्रकार जब उसने जौहरी को ले जा करके उस पायल को दिखाया तो जौहरी को उस पर शक हुआ कि शायद यह चोरी, जो कोवलन है, इसने राज्य में कुछ दिन पहले राजा के महल में चोरी हुई थी, तो लगता है कि शायद कोवलन ने उस पायल की चोरी की है। इसलिए वो सिपाहियों को लेकर के आया और सिपाहियों ने कोवलन को पकड़ के राजा के महल में लेकर गए। और बाकी बच्चों, आगे हम अपनी पढ़ाई करेंगे। आगे इस कहानी में यह बताया गया कि कुछ दिन पूर्व मदुरई के राजमहल में चोरी हुई थी। चोरी में कुछ गहने भी चोरी हुए थे। इसकी सूचना नगर के जौहरियों के पास थी, इसलिए जौहरी ने कोवलन को पकड़वा दिया। वह कहता रह गया कि वह चोर नहीं है, पायल उसकी पत्नी की है, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी, बस उसे कारागार में डाल दिया। इस प्रकार से जब उसकी जो महल में चोरी हुई थी तो उसका सारा शक उस कोवलन पे जा रहा था कि जो उसकी सूचना नगर के जौहरियों के पास गया और जौहरी ने उस कोवलन को पकड़वा दिया। राजा ने चोर के पकड़े जाने की बात सुनी तो उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। उधर कनिकी चिंतित थी, कोवलन लौटा क्यों नहीं। उसने गृह स्वामी की सहायता से मालूम कर लिया कि उसके पति की चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया और उसे फांसी दी जाने वाली है। कनिकी तुरंत राजदरबार पहुंची और राजा से न्याय की प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, आपने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया, वे इस समय निर्धन अवश्य है किंतु चोर नहीं है। मेरे पास इस बात का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तुम्हारा पति निर्दोष है, राजा ने क्रोधित होकर पूछा। कनिकी ने पांव में पहनी पायल दिखाते हुए कहा, यह पायल इसका प्रमाण है। यह उसी पायल की जोड़ी है, दूसरी पायल है। आप रानी जी से पूछे कि उनकी पायल के अंदर क्या भरा था। रानी ने बताया, उनकी पायल में मोती भरे हुए थे। कनिकी ने अपना पायल उतार कर पृथ्वी पर दे मारी और अंदर से लाल मणियां निकलकर उस पायल से छिटक कर बाहर आ गई। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने आदेश दिया, दूसरी पायल भी ले आओ। दूसरी पायल में भी लाल मणियां थी। राजा ने कोतवाल को आदेश दिया, कोवलन को राज दरबार में लाया जाए। कनिकी ने राजा को अपने मदुरई आने की पूरी कहानी सुनाई। राजा ने कोवलन और कनिकी से क्षमा मांगी। उन्हें धन्य धान होकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया।
कोवलन ने पुनः व्यापार आरंभ किया और उसका व्यापार चल निकला। कोवलन और कनकी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस पर कहानी का सार यह बताता है कि किस प्रकार मदुरई के निकट छोटे नगर में कोवलन और कनकी रहा करते थे। दोनों सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन थोड़ी सी लालच आ जाने के कारण स्वार्थी लोगों की संगति में वो फंस गया था और उसके व्यापार में बहुत ज्यादा हानि हुई। घर में खाने के लिए जब लाले पड़ने लगे तो वो दूसरी जगह मदुरई में जाकर अपना व्यापार जमाना चाहता था। बिल्कुल धन शेष न रह जाने के कारण उसकी पत्नी ने एक पायल दिया कि जौहरी की दुकान पर जाकर उसे बेच आए। वहां उसे सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कोवलन के न लौटने पर कनकी बहुत चिंतित हुई। राजा सूचना मिलते ही कनकी का राजा दरबार में जाना और कोवलन को बेकसूर साबित करना और राजा का कोवलन से क्षमा मांगना और धन्य धान के साथ आदर सहित विदा करना। इस प्रकार ये पौराणिक कथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसमें कनकी ने अपनी हिम्मत और साहस और धैर्य से अपने पति को निर्दोष साबित किया। दुनिया में कोई भी काम इतना भी असंभव नहीं है कि असंभव हो उसे हिम्मत साहस और परिश्रम के बल पर पूरा किया जा सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हर एक को अपना पथ स्वयं बनाना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए हार को सहने के लिए स्वयं को मजबूत करने के लिए साहसी बनना चाहिए। बच्चों यह अध्याय यही समाप्त होता है। इस सुप्रसिद्ध कहानी को अब ध्यान से पढ़ें और इसका जो अर्थ है उसे समझें।